लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब दा एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवी वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नूं होर नाल वध तो वध शेयर करो। कादर यार द्वारा लिखे प्रसंग पूरन भगत के किस्से में जो असी अगली वीडियो पेश कर जा रहे हैं, यह पिछली वीडियो के अगे कॉन्टीन्यू पार्ट है, जिस वजह से देखता भी खे शब्द तो खखा जो शब्द है फारसी की शीहरफी या अरबी या उर्दू की जो शीहरफी रचना है जिहड़े विच एक अक्षर तो वो बारे पैराग्राफ या बारे नहीं ओ अक्षर लैके उस तो शुरू करके फिर बाकी पैराग्राफ का वृतांत या वर्णन लिखा जाता है। उस असी देखते हाँ भी खे तो की अखर शुरू हुंदा है, खे अखर का नाम है जिदा अलफ बे पे ते से हे जीम चे ए फारसी की अल्फाबैट्स है। हुण खखे अखर तो शुरू करता है कादर यार, इन्हां दोनों नूं रला के पढ़ना है। खे खुशी होए गुरु नाथ ताई जल पाए के पूरिया तुरत मीता। हुण सारी वार्ता गुरु गोरखनाथ ने सुनी, दुख भरी वार्ता सुन के गुरु गोरखनाथ दी अखां चों हंझू वह तुरे ते उन्होंने बड़ी कृपा करके बड़ी दया करके अपनी तप शक्ति नाल तप बल दे नाल उस दे सारे अंगां नूं मोड़ के सुरजीत करता, नवा करता, पूर दिता। इन्हें जो अधूरापन से सारा दूर करके उसनों पूर दिता जल दा छट्टा मार के। खे खुशी हुई गुरु नाथ ताई, यानी गुरु गोरखनाथ नूं खुशी हुई जल पाए के पूरिया तुरत मीता, तुरंत जल लिया और उत्ते पा के उसनों पूर दिता, यानी पूरा कर दिता। उन्हों जो हाथ पैर कट्टे सी वो सारे दोबारा मुड़ के सुरजीत करके नवे कर दिते। हथी अपने उस दे मूँह लाया पर्दे खुल गए जदों घुट पीता। वो जो जल से जोड़ा कटोरे में या जोड़े उन्होंने कमंडल में सगा उ उन्होंने अपने हाथी उसके मूँह में लाया ते वो क्योंकि वह शक्ति वाला जल से मंत्रित जल सगा क्योंकि अपने तप बल का भरया होया जल से उसनों पींदया सार जब पूरन से वो सारे कपाट खुले उन्होंने एकदम ज्ञान हो गया। वो जो भी समस्या जो दुख से जो चिंता से सारिया दूर करती एक घुट पीन नाल। हाथी आपने उसके मूँह लाया पर्दे खुल गए जदों घुट पीता, जदों उसने पूरन भगत ने अपने सुरजीत होने तो बाद नवा नरोआ पूरा होने के बाद जो उसने उस अभिमंत्रित जल यानी उस शक्ति वाले जल का घुट पीता तो उसके कपाट खुल गए, उसनों सारा ज्ञान हो गया। फिर बेपरवाह गुरु नाथ हो रहा, गुरु गोरखनाथ ने इस करके बेपरवाह क्योंकि वो शक्तियों के मालक से, वो सारे रिधियां सिद्धियां के मालक से। उन्होंने किसी बच्चे के हाथ पैर दोबारा साबित कर किसी को मरे को जींदा कर देना बहुत आसान खेड सी क्योंकि वो बेपरवाह से। फिर बेपरवाह गुरु नाथ होर यानी उन्होंने गुरु गोरखनाथ होर ने यानी उन्होंने की किया पूरन भगत ताई सावधान किया, फिर उस चेतन किया, उसनों सावधान किया, उन्होंने आले दुआले का ज्ञान कराया। वो जो बेसुध होया पिया सी जिन्हों आले दुआले का अपने दुखा करके अपने कष्टा करके ज्ञान नहीं सी, फिर उस अपनी शक्ति का मंत्र मार के या जल दे के उसनों एकदम सावधान कर दिता। कादर यार हुण कवि की कहिंदा है, कादर यार गुजार के बरस बारह खस्ताल यानी खस्ता हाल यानी माड़े हाल खस्ताल ताई खुशहाल किया, यानी पहले बारह साल जो पूरन से भोरे विच पिया रहा। जिदा ही बारहवें साल पूरे होने तो निकलिया वो जो राजे दे पेश होया, राजे ने हाथ पैर कटवाए तो लूणा दे राणी दे कहने हुण बारह यानी खूह विचों निकलन तो बाद बारह साल फिर वह गुरु गोरखनाथ दे कोल शिक्षा दीक्षा लैंदा रहा। इहदा पता किदां लगता है, जदों राणी इच्छरां कहिंदी मैं 24 साल बाद तैनूं देख रही हाँ, नहीं उसका पुत्र जो उस तो विछड़िया सी वह भर जवान हो गया सी, 24 साल का गभरू जोगी हो गया सी ते उसनों 24 साल बाद मिले, तो मतलब 12 साल भोरे विच माने ने देखिया। जिद्दां ही निकलिया उस दिन शाम नूं राजे ने राजे सलवान ने हाथ पैर कटवा के खूह सुट दिता। उस तो बाद गुरु गोरखनाथ उसनों खूह विचों कढ के लै गए, उसनों सुरजीत किया, उसनों जोग मत की शिक्षा दीक्षा दे के पूर्ण यानी कंप्लीट कर दिता। तो 12 साल यानी 24 साल बाद जिहड़ी मां राणी इच्छना जिहड़ी अन्नी हो चुकी है और पुत्र की कृपा करके पुत्र के तप बल नाल उसनों दोबारा नेत्रां की ज्योति मिलती है, फिर अपने 24 साल बाद अपने पुत्र के भरपूर दर्शन करती है, उसनों रोकना चाहती है, गलवकड़ी लाना चाहती है, अपने घर रखना चाहती है, पर उसका जो पुत्र है उस नूं हुण घर नाल घर दे संबंधियां रिश्तियां नाल कोई मोह नहीं क्योंकि उसने सारा प्रपंच देख लिया, क्योंकि उसने मां पुत्र का असली रिश्ता भी देख लिया, अपनी मां मतरेई मां लूणा का उसका प्यार, प्यो जिहड़ा इन्ना दयावान सी उन्हें भी देखिया राणी छोटी है सच कहिंदी होगी, उन्हें भी बिना कुछ विचारे उसे हाथ पैर वढवा दिते। इस करके हुण उसका रिश्तियां विच
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਮਿਲੀ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਬਰਸ 12 ਯਾਨੀ 12 ਬਰਸ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਖਸਤਾਲ, ਉਹ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ 12 ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਸਤਾਲ ਯਾਨੀ ਖਸਤੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਖਸਤਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾਚਾਰੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਿੱਸੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਦਾ। 12 ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਪੂਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਲੂਣਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਲੂਣਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਸ਼ਡਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲਾਦਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਯੋਗਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਤੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੂਪ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਫਰੇਬ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁਸਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੌੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਢਵਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਲ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਜਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਗ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀ ਇੱਛਰਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੂਣਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੂਣਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਸ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋਗੀ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ 'ਤੇ
जो सी वह दोष लाया सी राजे गुस्सा आता है तलवार कढ लैंदा है ते ओ विच पै के पूरन अपनी माँ सौतेली माँ यानी लूणा नू मतरेई माँ नू बचा लैंदा है फिर आशीर्वाद दिंदा है तुहाडे घर पुत्र होएगा पर तुसी उस कोल रहोगे नहीं 12 साल उस नू भोरे विच रखोगे फिर दोबारा वह शर्तां लागू हो जांदियां ने फिर उस राजे सलवान दे घर राजा रसालू नाम का पुत्र पैदा हुंदा है ते इत्थे हुण असीं उस जगह ते पहुँच गए हाँ जदों ओ अपनी माँ दियां अखां ठीक कर दिंदा है अपने प्यो नू पुत्र होण दा आशीर्वाद दे दिंदा है फिर उस सियालकोट तों चलण दी तैयारी करदा है हुण राजा उसकी बांह फड़दा है राणी इच्छरा बांह फड़दी है राणी लूणा बांह फड़दी है क्योंकि वह सारे रिश्तों नू परख के त्याग चुके है दुनिया तो मोह टुट चुके है और बाकी वह पूरन जोगी बन चुके है इस करके माँ दियां मिन्नतां बेनतियां नू ठुकरा के हुण उस तक बेनती करता है कि हुण मैनू रोकी ना मैं तो सारे जंजाल छड़ दिते ने हुण मैं दुनिया का भला करें इत्थों जाना है तुसीं खुश रहो अपने नगर आबाद रहो तुहाडे घर फिर औलाद होएगी राजा रसालू नाम की इहदे किस्सा अगे राजा रसालू का होर अगे तुरदा है यह असीं फिर किसी वारी करांगे हुण असीं इत्थे देखदे हाँ पूरन का विदा होना हुण जिहड़ी घटनाक्रम चेंज हो चुका है काफ़ी विचों गैप निकल चुका है 12 साल बाद अपने देश सियालकोट आंदा है हुण ओह की हुंदा उत्थे पूरन का विदा होना माँ उन्हूं की कहिंदी है सीन सीन जो शब्द है यह फारसी का एक अखर है जिदा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी इदा सीन जो शब्द है यह फारसी का एक अखर है सीन समझ माता तू तो भोलीए नहीं हुण अपनी माँ नूं पूरन भगत समझा ले तू तो भोली है तू मेरी गल मन लै पूरन भगत खलोए के दे मत्थी पूरन भगत हुण उस आसन तो उस बाग दे आसन तो खड़ा हो चुका है हुण उसने रुकना नहीं है माँ उसनूं तरले करदी है पिता तरले करता है पर वो हुण खड़ा हो चुका हुण जाण दी तैयारी है कहिंदा हुण तू भोली माँ मैनूं रोक ना सीन समझ माता तू तो भोलीए नहीं पूरन भगत खलोए के दे मत्ती हुण पूरन भगत अपनी माँ नूं खलो के उसनूं उपदेश दिंदा है उसनूं चंगीआं गल्लां कहिंदा है गोपी चंद दी माँ सलाहीए नहीं जिस तोरिया पुत फकीर रथी ते असीं गोपी चंद राजे दी माँ दी बड़ी सिफत करदे हां इत्थे उहदा नाम नहीं लिखिआ पर उहदा नाम सी मैनावती किस्सा की सी कि बंगाल दा रंगपुर दा राजा सी गोपी चंद बहुत प्रसिद्ध सी बहुत चंगे दिल वाला सी उन्होंने भी एक जलंधर नाथ जो पंजाब दे महान जोगी सी नाथ सीगे उन्होंने अपनी कृपा च लै लिया ते उन्होंने कहा चल बच्चा ते जिहड़ी उसकी माँ मैनावती सी उसने रोकिया नहीं उसने अपने हाथी अपने पुत्र जो गोपी चंद सी उसनू तैयार करके जोगी बनने लई तोरिया और बड़ी खुशी खुशी उसनू विदा किया वह कहिंदा भी तू उसकी माँ कोलों सिख्या लै जिसने कि अपने पुत्र नू राजी खुशी जलंधर नाथ जोगी दे नाल जाण नू तोरिया उसनू आशीर्वाद दित्ती गोपी चंद जी माँ सलाहीए नहीं जिस तोरिया पुत्र फकीर हथी भी जिसने फकीर करके अपने बच्चे जलंधर नाथ जोगी के ना बंगाल तो तोरिया उसका भला चाहते सी तू भी तोर माता राजी होए के नहीं मैनू जान दे फाही ना मूल कती हुण कहिंदा तू भी उसकी माँ तो सिख्या लै तू मैनू जान दे मेरे गले विच ग्रस्ती दियां जंजीरां ने जो प्यार दियां जंजीरां ने दुनियादारी दियां जंजीरां ने मैनू ना पा क्योंकि मैं तो सब तोड़ चुकिया इस करके तू भी तोर माता भी तू हुण अपनी माँ राणी इच्छरा नू कहिंदा है तू भी तोर माता राजी होए के नहीं भी तू भी खुशी खुशी मैनू अपने महलों में तोर अपने बाग में जान दे जिथे मैं जाना चाहना मैनू जान दे फाही ना मूल कत्ती हुण मैनू जान दे कत्तणा का मतलब पाणा हुण मेरे गले च फाही ना पाई अपने प्यार दी अपने रिश्तियां दी दुनियादारी दी गृहस्थी दी जंजालां दी बस मैं सारे बंधन सारिया फाहियां सारे जंजाल तोड़ चुका हूँ मैंने जान दे अगली लास्ट लाइन है कादर यार फकीर दा रहन नहीं फकीर किसे एक जगह नहीं रहिंदे फकीर ने तो अज इत्थे कल उत्थे उन्हां दा कोई टिकाणा नहीं सारी दुनिया उन्हां दी अपनी है इस करके मेरे फकीर दा इत्थे हुण रहना नहीं है कादर यार कवि दा नाम है कादर यार फकीर दा रहन नहीं रोए रोए के मेरे ना मगर वत्ती वत्ती दा मतलब पहुँचना वत्ती दा मतलब जाना कि हुण मेरे मगर मगर रोंदी रोंदी ना ही मैनू तो प्रभावित करन दी कोशिश ना करी हुण मैं जोगी हाँ और जोगी दा काम गृहस्थी विच रहना नहीं जोगी दा काम है रमदे रहना चलदे रहना और दुनिया दा भला करदे रहना हुण असीं अगे देखदे हां वी हुण पूरन अपनी माँ नू की समझांदा है अगला जो काव्यबंध है वह शीन तो यानी शशे तो शुरू हुंदा है शीन उर्दू का अरबी फारसी इदां दा अखर पैंदा है ते शीन शीर खोरा मैथों जुदा होयो हुण जिहड़ी माँ है राणी इच्छरा है उहदियां अखां सुजाखियां हो जांदियां पूरन हुण अपने गुरु गोरखनाथ कोल जाण लई तैयार बैठा है ऐसे समय वह कहिंदी है तू तां दुध पींदा बच्चा सी शीर कहिंदे है खीर शीर जो शब्द है संस्कृत का शब्द है खीर दा मतलब है दुध हुण खी शीर खोरा दा मतलब दुध पीण दा बच्चा सी तू शीर खोरा मैथों जुदा होयो मसा मसा में टिठा है मुख तेरा 12 साल
बहुत छोटा। पहले दिन मामनू ने देखा तो माँ ने जम्मण दे सारी और पिता ने सलवान राजे ने उसनों भोरे च पा दिता। हुण उस जमदे बच्चे नूं मां ने देखा नहीं, दुध पींदा बच्चा सी, भोरे विच सुट दिता गया। हुण 24 साल पहले 12 साल उसने भोरे विच गुजारे, 12 साल वह साबित होकर गुरु गोरखनाथ दे चरणी शरणी पिया रहा, उहदे कोल योग मते सिखा ली, पूर्ण होया, शक्तिवान हो गया। हुण वह कहिंदा मसा मसा मैं डिठा है मुख तेरा, 24 साल बाद दुध पींदा बच्चा सी तूं, 24 साल बाद मसा मसा तेरा मैं मुख डिठा है। 24 बरस गुजरे नारे मार दी नूं, नारे दा मतलब तरले कर दी नूं, इंतजार कर दी नूं, कुरलाउंदी रोंदी नूं, मैनूं 24 साल मीनस 12 साल भोरे विच इंतजार कीता, 12 साल उहदे मरण तों बाद इंतजार कीता, 24 साल वह नारे मारदी रही, कुरलाउंदी रही, वह दुख अपने रोंदी रही, अजे फोल ना पुछिया दुख तेरा हे पुत्तर। पहले 12 साल भोरे विच किद्दां बीते मैनूं तां इह वी नहीं पता, और जो अगले 12 साल तो मैं सोचा कि तू मर गया, लोगों ने सोचा तू मर गया, हाथ पर वढ़वा के खूह सुट दिता, पता नहीं कित्थे गया कित्थे नहीं गया, और उन्हां दिनां विच वो बारह साल तेरे नाल की दुखां विच बीती, हजे तां मैं वो गल पुछी ही नहीं, मैं तेरे दुखां दी हाणी बनी नहीं, मैं तेरे दुखां नाल अपना दिल लाए नहीं, और तू हुण जा के उठ के जाण नूं तैयार बैठा अपने गुरु दे कोल। 24 बरस गुजरे नारे मार दी नूं, अजे फोल ना पुछिया दुख तेरा, मैं तां तेरा दुख दर्द भी जो 24 साल तेरे नाल बीतिया वह मैनूं पता ही नहीं, खोल के मैं तेरे कोल पुछे ही नहीं। दसी पूरना वे होई फिर की कर, हुण मैनूं इह दस, लग्यो मर हयाती दा रुख जेरा, हयाती यानी जिंदगी, मरण तो बाद तेरा हयाती यानी जिंदगी दा जो बूटा सी किद्दां पुंग रहा धरती ते, इहदा मतलब तेनू तां मैं अपनी अखां सामने हाथ पैर वढ़दे मारदे नूं देखिया सी, खूह च पांदिआं लजांदिआं देखिया सी, तू तां मर गया सी, परंतू मैनूं इह दस फिर तेरे नाल की बीती। दसी पूरना वे होई फिर की कर, किद्दां की कर मतलब किद्दां, लग्यो मर हयाती दा रुख जेरा, वह मर के हयातीआं नें जिंदगी दा रुख किवें लग्या, तू मर गया सी, ए जिंदगी किदां फुटी, तू जींदा किदां हो गया, इस दी मैनूं बाबत इस दा वर्णन दस। कादर यार मैंने ते चितार दी सां, चितारना दा मतलब चेते करना, चितारना दा मतलब याद करना, कादर यार नित दा मतलब रोज, मैं नित चितार दी सां, मैं तैनूं रोज़ चेते कर, चितारना दा मतलब चेते करना, रोज़ मैं चेते करदी सां, ख्वाब विच सुनेहड़ा सुख तेरा, मैं ख्वाबों में अपने सपने में तेरे सुख लोड़ती सा, तेरे सुख भरी जिंदगी की कामना करती सा, भावें मां नूं पता सी मेरा पुत्र कट्टिया वड्डिया मरिया गया है, परंतु फिर भी वह उसकी सलामती की जिहड़ी वह इच्छा सपने में भी करती सी, हुण वह चाहती है कि पूरन इत्थों उठ के ना जाए, मैनूं छड्ड के ना जाए, मेरी गोद छड्ड के ना जाए, और मेरे कोल रहे ताकि मैं बुढ़ी का सहारा बन जाए। हुण स्वाद तो शुरू, स्वाद इदां दा अखर पैंदा है, हुण स्वाद तो की है, स्वाद साहब दिती जिंद जान मेरी, की तू लगी है सच पुछाण माए, हुण उह कहिंदी तेरे नाल की बीती, तू दुबारा जिंदा किद्दां होया, तेरा जिंदगी दा रुखड़ा जिहड़ा ना बूटा दुबारा धरती च किद्दां पुंग रहा, कहिंदा पुछ ना मेरे नाल की बीती, मैनूं हुण जाण दे, क्योंकि उस अपने गुरु गोरखनाथ जिसने उसे जिंदगी बचाई, उसनों 12 साल अपनी दीक्षा दिती, शक्तियां च संपूर्ण किया, उसनों करामाती जोगी बनाता, हुण उहदे कोल छेती नाल जाना चाहुंदा है, क्योंकि घरेलू गृहस्थी जंजाल उसने 12 साल और 12 साल देख ले है। इत्थे लिखिया स्वाद साहब दिती जिंद जान मेरी, हुण तू ए ना पुछ, बस ए गल है कि जो मेरा परमेश्वर है साहब ने उन्हें मेरी जिंदगानी दोबारा मोड़ दी, मैंने दोबारा जिंदा परमेश्वर ने किया, की तू लगी है सच पुछाण माए, की तू मैनूं सच सच किद्दां पुछण लगी है, मेरी जिंदगी दियां जिन्हें घटनावां ने उन्हां बारे क्यों पुछ रही है, बस यह सोच लै कि मैनूं परमेश्वर ने जिंदगी दोबारा आप दिती है। गुरु नाथ जी कटिया खूह विच्चों रब दिते नी नैन प्राण माए, हुण वह सारी गल परमेश्वर की रजा विच भाणा मन के होई दसदा है, वह कहिंदा है कि मैनूं मेरे गुरु नाथ गुरु गोरखनाथ ने खूह विचों कृपा करके कढ़िया, और परमेश्वर ने मेरे नैण और प्राण यानी जो उहदे हाथ पैर सी यानी पूरे शरीर वह साबित किया, उहनां विच दुबारा प्राण पाते, जिंद जान पाती, और दुबारा उस मैनूं खूह विचों कढ के जिउंदा कर दिता, यह सारी कृपा मेरे परमेश्वर की है, गुरु ने खूह चों कढ़िया, परमेश्वर ने मैनूं जिंद जान दिती। अगे लिखिया मत खफा होवे करे काल मेरा, हुण उहनूं इह चिंता है, वैसे तो सारी जो खेड है वह गुरु गोरखनाथ की हुई है, क्योंकि उसने आप ही अपने चेले पूरन नूं सिख्या दित्ती, उसनों पूरन कीता,
फिर उसनू राणी सुंदरा को भेजा। जो उत्थे पास हो गया आ उसनू फिर अपने राज सियालकोट भेजा। हुण उत्थे वह पूरन हो गया, उत्थे उहदी होर परीक्षा हो गई है, हुण वह पूरन जोगी है, हुण वह सारिया कसवटियां ते खरा उतर है। पर पूरन नू इह लगता है कि मेरा जो संपूर्ण गुरु है जिन्हें मैनू कृपा करके जींदा करता मैनू मार भी सकता है, इस करके कितने नाराज़ ना हो जाए और मेरा काल यानी मौत दोबारा ना आ जाए, इस करके हे मां, क्योंकि वह मां नू डराना चाहता है कि मैनू रोक ना कि मैं मर ना जावां। हुण मां दे सामने पुत्र दे मरण की गल होए तो वह किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करन नू तैयार हो जाती है। इत्थे वह लिखता है, इत्थे दसदा है पूरन, मत खफा होवे करे काल मेरा। गुरु गोरखनाथ मत यानी कितने खफा यानी नाराज़ भी, कितने नाराज़ ना हो जाए और मैनू मार ना देवे, जिस शक्ति ना उसने मेरे प्राण बचाए, प्राण दोबारा दिते, प्राण खिंच ना लवे, करे काल मेरा उदे कोल देवो मैनू जान माए। कृपा कर मेरी माँ मैनू बख्श लै, मैनू सच्चे गुरु दे कोल जान दे जिसने मैनू जिंदगानी दिती है, और जिंदगानी कितने वह मोड़ ना लवे तेरे बंधना करके, तेरे प्यार दे जकड़ करके, जंजीरा करके, कितने दोबारा मैनू मार ना देवे, इस करके होशियार। कादर यार जबान थी कॉल कीता फिर मिलांगा मैं आण माए। कॉल का मतलब वचन, इकरार, वादा। हुण मैं अपनी जबान नाल तैनू वादा करदा। हुण कादर यार कवि यह दिखांदा है भी जो पूरन जोगी है और जो उसकी माँ इच्छा है दोनों वार्तालाप होंदा, हुण तो मैनू जान दे, परंतु मैं तैनू कॉल देना, तैनू मैं वादा करदा, वचन दिंदा कि मैं फिर छेती तैनू आके मिलांगा। लास्ट लाइन इस पैरे दी है, कादर यार जबान थी कॉल कीता, मैं तेरे नाल अपनी जबान तो वादा करदा, क्योंकि जो जोगी ने कहता वह सच हो के रहेगा, इस करके मैं तेनों जबान दिना फिर मिलांगा मैं आण माए। हे मेरी माँ, मेरी इच्छरा माँ, मैं फिर दोबारा तेनों आके मिलांगा। अगले पैरों में असं देखते हैं हुण उन्हां दीआं की वार्तालाप चलदियां ने। अगले बंद भी स्टोरी होर अगे तुरदी है, फिर सानूं पता लगदा जवाद तो, जवाद इस तरह लिखते हैं, यह पहली अक्खर है फारसी अरबी या उर्दू का, यह जो काव्यबंद है तुरदा है जवाद तो, जवाद यानी जा तो, जवाद जामनी गुरां दी विच लै के, जामनी का मतलब है उन्होंने विच रख के, उन्हों का वास्ता लैके, उन्होंने भरोसा दे के, अपनी मां नूं अपने गुरु का वास्ता पा के, जवाद जामनी गुरां दी विच लै के माता तोरिया एत करार लोको। फिर उन्हें कहा मैं तेनों करार दिना, कॉल दिना, वादा करदा माता तेनों आके जरूर मिलांगा, तो मैं मेरे गुरु का वास्ता। तो इस तरह गुरु का नाम विच रख के अपनी माँ नाल कौर करार करके, कॉल करारां दे अधीन बद्दा जो पूरन है अपने गुरु के डेरे, गोरखनाथ के डेरे चल पैंदा है। माता तोरिया एत करार लोको, भी माता ने यह इकरार लैके, यह वादा लैके उसनों तोरिया, दिलों समझिया रब का भला होवे, सांझ रखी सू विच संसार लोको। पुत्र तो मर चुकिया सी, मरण तो बाद दोबारा जींदा होकर दिख पिया हो 24 साल बाद। हुण वह कहिंदा जे मैं नहीं जावां गुरु मैनू मार देगा, जिदा उन्हें जिंदा किया मैनू मार भी सकता है। फिर माँ यह मन च धरवास दिंदी, अपने तसली दिंदी है भी शुक्र है जींदा तो है, दुनिया नाल सांझ तो बनी हुई है, इस करके उसनू जाण दी इजाजत दे दिंदी है। दिलों समझिया रब का भला होवे, वह माँ समझदी है राणी इच्छरां कि चलो शुक्र है रब का भला है, सांझ रखी सो विच संसार लोको, कि मेरी पुत्तां करके इस संसार नाल सांझ बनी है, ऐ नहीं कि मैं बिना पुत दे दुनिया तो जा रही हाँ, पुत है, जिंदा है और बहुत बड़ा जोगी है, मेरे कोल नहीं है पर है तो सही, भी दुनिया विच मेरी जड़ परमात्मा ने रख ली है, डिगे लाल हत्थां विचों लभदे नहीं। लाल कहिंदे हीरे, जदों किसी दे हथों कोई हीरा गवाच जाए बड़ियां चंगियां किस्मतां नाल उह दुबारा मिलदा है, कोई कीमती चीज़ कोई धन पदार्थ दौलत हथों डिग जाए गवाच जाए खो जाए तो वह बड़ी किस्मतां नाल दूजी बार मिलती है, और मैं सब तो कीमती मेरी वस्त मेरा लाल मेरा पुत्र है वह दूजी बार मैं मिले, बड़ी किस्मत है मेरी। डिगे लाल हत्थां विचों लभदे नहीं, लाल कहिंदे हीरे जवाहरात जे हत्थां विचों डिग जाण लभदे नहीं, कर्मा वालियां नूं दूजी वार लोको, भी दूजी वार वह किसी कर्मा वाले नूं लभदे है, दूजी वार लभदे नहीं। पूर्ण हो तुरिया विदा इच्छरां तो किस्सा जोड़िया सी कादर यार लोको, इस तरह जो कादर यार है वह किस्से नूं समाप्त करन दे नेड़े नेड़े है। हुण उह कहिंदा है भी इस तरह दीआं सारीआं कहानियां देख के हुण मैं देखिया पूरन अपनी माँ राणी इच्छरां तो विदा लैके तुर गया है, यह मैं किस्सा हुण जोड़ के लिखिया नहीं, यह किस्से दा हुण अंतम पड़ा पहुँच चुके है। पूरन हो तुरिया विदा इच्छरा तो, हुण जो पूरन जोगी है अपनी माँ ते कृपा करके, अपने परिवार ते कृपा करके, अपने प्यो राजे सलवान नू आशीर्वाद दे के पुत्र होण दा, हुण वह राणी इच्छरा तो विदा लैके वह अपने गुरु गोरखनाथ के डेरे वल जा रहा है। किस्सा जोड़िया सी कादर यार लोगों तो, यह जो किस्सा सी यह सारा कादर यानी मैं बड़ी तरीके नाल जोड़ के आप दे अगे पेश कीता सी। आखिरी पैरे विच जो
पूरन है जो जोगी है अपने गुरु गोरखनाथ के डेरे पहुँच जाता है, सबन प्रणाम करता, सब का आदर करता है, अपनी समाधि में लीन होने लगता है। इस तो पहले गुरु गोरखनाथ उस तो सारे परिवार की जो हाल चाल पूछते हैं। तोए इस तरह तोए लिखते अक्षर तो शुरू होता है, तोए तरफ तुरै गुरु अपने दी, फिर अपनी माँ राणी इच्छरा तो विदा लैके फिर अपने गुरु वाल यानी गुरु गोरखनाथ के डेरे वाल जिथे उन्हों का टिकाणा उत्थे तुर पैंदा है। तोए तरफ तुरै गुरु अपने दी, अपने गुरु के वाल चल पैंदा माँ तो इजाजत लैके आशीर्वाद लैके जाके चरणा ते सीस निवाउंदा है, अपने डेरे पहुँच के गुरु के टिकाणे ते जाके अपने गुरु के चरणा ते मत्था टेकदा है। पहला जाए प्रदक्षिणा तिन करदा, पहला अपने गुरु कोल जाके उहदियां तिन परिक्रमा करदा है। तिन परिक्रमा करन तो बाद मुखों आद अलख जगाउंदा है। आद अलख दा मतलब उस परमेश्वर आदि पुरख नूं अलख है, आदेश है, आदेश दा मतलब नमस्कार है, यानी अपने गुरु अगे अलख जगांदा है, जिदां उह अलख निरंजन कहिंदे आ, जां अपने वल्लों जो भी सत्कार दा शब्द है वह उचारदा अपने गुरु दे अगे मत्था टेक के उस दीआं तिन परिक्रमा करके उस दे अगे अलख जगांदा है। सारे संतों को फिर डंडौत करके फिर क्योंकि बहुत आग्ञा करिए बड़ा लायक जोगी है, सब तो छोटा है, इस करके पहले अपने गुरु को मत्था टेकता है, परिक्रमा करता है, फिर जिन्हें भी संत यानी जेडे उच्च कोटि के उस टोली विच उस ग्रुप विच शामिल नाथ जोगी ने उन्हां सारे संतों के अगे वारी वारी जाके डंडौत करता, मत्थे टेकता है, सारे संतों को फिर डंडौत करता, सारे संतों को फिर डंडौत करे, डंडौत कहिंदे आ डंडे वांगू सीधा लम्मे पै के मत्था टेकना, डंडौत नूं अष्टांग भी कहिंदे आ। जदों बंदा मत्था टेकदा है उहदे हथ जमीन नाल छुंदे आ, मत्था जमीन नाल छुंदा है, नक जमीन नाल छुंदे आ, होठ जमीन नाल छुंदे आ, छाती मोढे जमीन नाल छुंदे आ, पेट जमीन नाल छुंदा, गोडे और पैर यानी यह अठ अंग जिहड़े ने यह सारे जमीन के नाल टच करते हैं, इस करके इसनों अष्टांग प्रणाम भी किया जाता है, इन्हें डंडो जी डंडे वांगू लम्मा पै के प्रणाम करना भी कहते। इस तरह अपने गुरु अगे मत्था टेक के परिक्रमा करके जिन्हें भी उस टोली दे उस डेरे दे महापुरख संत ने उन्हें अगे डंडौत यानी लम्मे पै के मत्था टेकता है। सारे संतों को फिर डंडौत करके आसन लाए धुआं फिर पाँदा, फिर अपने आसन से आके बैठ जिते उसकी जगह, फिर अपनी धूनी रमांदा, धूनी च अग बालदा है ताजो तपस्या विच बैठ सके। कादर यार फिर पूछा गुरु पूरे, वो तो सब जानते सी गुरु गोरखनाथ जानी जान सी, हुण जो घटना वापरी सब पता उन्होंने, फिर भी उस कोलों वो सारा हाल पूछते है। कादर यार फिर पूछा गुरु पूरे, हुण पूरे गुरु ने गोरखनाथ ने पूछा माई बाप का हाल सुना, फिर वो जो गोरखनाथ नू जो पूरन जोगी है वो जाके अपने माता पिता का सारा प्रसंग जो भी उसना हुई बीती है सारा सुना, गुरु प्रसन्न होकर उसनों आशीर्वाद दिता, किस्सा इतने खत्म हो जाता है। हुण असी इस किस्से दे बारे जो भी प्रश्न उत्तर ने असी उन्होंने बारे चर्चा करते हैं। पेज नंबर 102 के प्रश्न शुरू होते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है काव्यबंध की प्रसंग सहित व्याख्या करो, और पहला काव्यबंध है से साबती रही ना विच उसदे मैनू पकड़ के पास बहान लगी। यह जो सारा प्रसंग है इस बारे असीं लिखांगे पहले प्रसंग, यह काव्य सत्रां साडी पाठ पुस्तक मध्यकालीन पंजाबी काव्य विचों लईआं गईआं हन, किस्सा काव्य का अंश हन, और कादर यार कवि ने इस नूं बयान कीता जिस विच उह अपनी गुरु नू जो खूह विचों गुरु उसनू कढ़दा है तो उसनू अपना सारा वार्तालाप सुना के अपनी मतरेई मां लूणा दे कारनामयां दा जिक्र करता है। इत्थे लिखिआ से साबती रही ना विच उसदे, जदों पूरन अपनी मां नू मत्था टेकण गया उहदे हाण दी सी लूणा राणी नवीं राणी, तां जदों उसने पूरन दा सुहप्पण देखिआ 12 वरे दे चढ़दी जवानी मुंडे दा, ते वो अपने पतिव्रता धर्म विचों कायम नहीं रख सकी, साबत नहीं रह सकी, मैनू पकड़ के पास बहान लगी, उन्हें मेरे रूप ते मोहित होके मैनू बाहों पकड़ के अपने कोल बिठाउण दा जतन किया। गुरु नाथ जी गल नूं समझिआ जे कड़ा जमी असमान दा ढाण लगी, जो जमी असमान दा कड़ा यानी बंधन जो गैप हुंदा ना जो मर्यादा हुंदी है एक पुत्तर एक मां दे विचकार, उस मर्यादा ने तोड़ के वो बहुत माड़ा काम करन लगी, ऐसी इसका व्याख्या। उसका दूसरा है शीन शीर खोरा मैथों जुदा होयो मसा मसा मैं डिठा मुख तेरा। यह काव्य सत्रां प्रसंग लिखांगे, यह काव्य सत्रां साडी पाठ पुस्तक मध्यकालीन पंजाबी काव्य दे किस्सा काव्य विचों लईआं गईआं हन जिसे कवि कादर यार हन। इस विच
ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। 12 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 24 ਬਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਫੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 103 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਢਵਾ ਕੇ ਔਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ 103 ਪੇਜ 'ਤੇ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰਟ ਆਂਸਰ ਨੇ ਊੜਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਐੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਈੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਔਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ, ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਮਤਰੇਈ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੀਰਤਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ
बाद विच अपने गुरु अगे अपने परमेश्वर अगे शर्मिंदा होना पवे। आप जी नूं बेनती है इस वीडियो नूं अगे वध तों वध शेयर करो। जे अजे तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया इस परिवार विच शामिल होवो, सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ और अपनी असीस दे के निवाजो। अगे इजाजत दिओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर वीडियो आपनूं पसंद आए तो लाइक करो ते इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।